हम कई दिनों से देख रहे हैं आपकी आंखों में कुछ आंसू है गम के, कुछ जुबा पे बात आती है फिर रुक जाती है, किसी बात का पछतावा है, आखिर कौन सी गलती है हमसे हुई है तो आप कह सकती हैं, किस बात से आप पीड़ा में हैं, क्या दर्द है क्या दुख है हमें बताइए। बेटा गोपीचंद, हाँ दुख तो बहुत है जिंदगी में, हाँ लेकिन कहना तो चाहती हूँ लेकिन डर लगता है कहीं तू मेरी बात मानने से इनकार ना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, मन घबराता है। अपने दिल को घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके पुत्र हैं और आपका हुक्म सर आंखों पर होगा, आदेश करिए और हमारी बात सुनिए। कह दे गोपीचंद। हो खोल के बता तेरी माता। अच्छा क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर। तो सुन ले गोपीचंद, बताइए। काट जा फटे से तेरी मात का, झापटे से तेरी मात का। ये क्यों आख्या मैया चूरिया के, क्यों आख्या मैया चूरिया के, दर्द भरा तेरी बाणी में, मुँह ते बोल लिकड़ता को न्या मा तेरी परेशानी में। एक तरह ध्यान पहुंच गया री माता बीती हुई कहानी में, करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में, ये करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी। झापटे से तेरी मात का। शक्ति कैसे चैनल के निर्माता निर्देशक भाई मनोज बैचला कुशलीपुर से, वो भी 500 रुपए से हमारे हम दोनों कलाकार का सम्मान करते हैं, धन्यवाद। आइए साथियों क्या बताएं। कहते हैं इंसान तो कर्म करता है फल तो भगवान देता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई कर्म किसी संतान से गलती हो जाती है या किसी भक्त से गलती हो जाती है तो उसे माफी मिल जाती है। पता नहीं आप किस कारण हमारी, अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई है, हम आपके पुत्र हैं और आप उनको बता सकती हैं। गोपीचंद आज मैं तुझे बताना ही चाहती हूँ कि मेरे दिल में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मैं परेशान हूँ। ए जीवन मरण ला बहानी यस, जीवन मरण ला बहानी यस, अपियत खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानू बेटा ये दस्तूर है दाता के, के दर्शन करना चारी आज, के दर्शन करना चारी आज, खात भरत प्रिय प्राता के। भर छाती पे हाथ ला लिया देश कठिन तेरी माता के, ये भर छाती पे हाथ ला लिया देश कठिन तेरी।
की पीर ध्यान रखिए मेरी बात का खोल के बता दे माता क्यों रखा मंदिर तेरे क्यों रखा मंदिर काल जा पट से तेरी बात का बेखटके से कह दे माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सो तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सो अरे दे आदे चितरे चरणों में दे आदे चितरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सो गोपी चंद बेटा मैं तने अमर कराना चाहूं सो गोपी चंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो बहन ये मिटा दे माता आवे है आखिर एक दिन आवे है आखिर खोज मिटे ना तेरे गा काली चाफटे से तेरी मात का आप मेरा शरीर अमर कराना चाहती हैं हाँ बेटा लेकिन ये तो बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो जीव आया है एक रोज अब से जाता है मैं सारी बातों को अच्छी तरह से जानती हूँ गोपी चंद तो इंसान तो कर्म से अमर होता है माँ हम गृह जीवन में रहकर भी अच्छे कर्म कर सकते हैं और अच्छे कर्म से इंसान अमर होता है नहीं गोपी चंद मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ लेकिन कहते हैं इंसान कर्म से अमर होता है और चाहे मैं साधु सन्यासी बन जाऊं हाँ। लेकिन मेरे कर्म अच्छे ना हो तो ऐसा बनने से क्या फायदा है माँ लेकिन बेटा गोपी चंद हाँ। मैंने तुम्हें पहले भी यही बात समझाई थी हाँ। कि जो मैं कहना चाहती हूँ शायद तुम मेरी बातों से बातों को मानने से इनकार ना कर दो इसलिए मैंने पहले तुम्हें कुछ भी नहीं बताया तुमने ज्यादा जिद की तो मैंने अपनी बातें तुम्हारे सामने रखी और तुम अब अपनी माँ के आदेश को टाल रहे हो ये बात नहीं है सरदारो वो मैनावंती कहते हैं बाल हट घोड़ा हट त्रिया हट जब अपनी हट पर आ जाते तो किसी की नहीं मानते हैं साथियों माँ ठान लेती है कि मैं अपने बेटा गोपी चंद का शरीर अमर कराऊंगी इसे योग दिलाऊंगी साधु बनाऊंगी और आखिरी बात में गोपी चंद क्या समझाते क्या बता दिया जाता वो जाता री माता जो आता वो जाता री माता मत ना मन भटकिए तू योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू तेरी बात ये संभव सी लागे माँ बात ये संभव सी लागे मन भेद खोल समझिए तू मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बड़ोली जाइए तू मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बड़ोली जाइए तू तेरी कवि ये निराला फैसला
जा फटे से तेरी माँ।